अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. तो हम लोग कह रहे थे एंटीनेटल ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशंस, और उसमें जो अगला टॉपिक हमने करना है वो है वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो प्रेगनेंसी में डेवलप हो सकती है और इसका क्वेश्चन भी आया करता है. तो आपने इसको लाजमी तौर पर सही से करना है. बहुत आसान सी बातें थोड़ी सी हम करेंगे डिस्कस के क्या प्रेजेंट करती है फीमेल किस तरह से और क्या क्या चीजें जो उसको प्री डिस्पोज करती है और फिर हमने उसको ट्रीट किस तरह करना होता है. अच्छा, तो सबसे पहली बात ये क्या थ्रोम्बोएम्बोलिज्म से आपको पता है कि वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म से बुरा दी है कि वेन्स में आपको पता है कि क्लॉट्स बन जाते हैं. जिस जगह पर क्लॉट बनते हैं उस जगह को हम थ्रोम्बस कहते हैं, उस क्लॉट को हम थ्रोम्बस कहते हैं. और वो क्लॉट अगर अपनी जगह से डिसलॉज हो जाता है और वो ब्लड में फिरना शुरू कर देते हैं और वो फिर कहीं और पर जाके लॉज होगा तो उसको हम एम्बोलस कहते हैं. मतलब सिंपली जिस जगह पर क्लॉट ऑरिजिनेट होता है या बनता है वो उस जगह पर अगर रहेगा तो वो थ्रोम्बस होगा और अगर वो डिसलॉज हो जाएगा तो एम्बोलस बन जाएगा. और ये थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का मतलब ये है कि इस क्लॉटिंग की एक जो प्रोसेस है, क्लॉटिंग का जो एक सिलसिला है वो ब्लड के अंदर शुरू हो जाता है एंड इट यूजली स्टार्ट इन वीनस ब्लड. अब वो क्यों स्टार्ट होता है वीनस ब्लड में ये भी आपको बताया बहुत अच्छे से कि जाहिर सी बात है जो आर्टीरियल ब्लड फ्लो है वो काफी फास्ट होती है एंड हाई प्रेशर ब्लड होता है क्योंकि डायरेक्टली हार्ट से पंप होकर आर्टरीज में आ रहा होता है तो वो नॉर्मली हाई प्रेशर फास्ट ब्लड होता है. वहां पर क्लॉट्स बनने का इतना चांस नहीं होता. क्लॉट्स वहां बनते हैं जहां ब्लड का स्टेसिस हो रहा होता है, जहां ब्लड की फ्लो स्लगिश होती है, आहिस्ता चलता है वो. जहां जहां पर वो आहिस्ता चलेगा वहां पर वो सेल्स रुक के क्लंपिंग कर सकते हैं, प्लेटलेट्स आ सकते हैं, तो उधर क्लॉट बनता है और वो वाला सिलसिला हो रहा होता है हमारी वेन्स में. स्लगिश ब्लड फ्लो होना, स्लो ब्लड फ्लो होना और ऐसा ऐसा चलना, उसकी वजह से आपके वेन्स में ज्यादा प्रीडिस्पोजिशन होती है. अच्छा, अब इसकी अगर कॉज देखा जाए कि नॉर्मल बंदों में जाहिर इसका चांस कम और हम कहते हैं प्रेगनेंसी में इसका चांस बढ़ जाता है. द रीजन है इसके प्रेगनेंसी खुद एक हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है. प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेट है, या आपने बात जहन में रखनी है कि आपसे ये बात पूछी जाती है, प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेट है कि जिसमें नॉर्मली जितने भी जो प्रोथ्रोम्बोटिक फैक्टर्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं और वो चीजें जो थ्रोम्बोलिटिक सब्सटेंसेस होती हैं या फिब्रिनोलिटिक सब्सटेंसेस होती हैं उनकी कमी हो जाती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको होता है कि क्लॉटिंग में हमारे पास जो पाथवेज है उनमें हमारे पास डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, फैक्टर 8 है, फैक्टर 9, 10, 11, 12 है. मतलब जो आपका एक, अगर मैं बात करूं आपको याद होगा, मैं जरा सा आपको रिवाइज कराती हूँ. एक इंट्रिंसिक पाथवे होता था क्लॉटिंग का और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे था और दोनों पाथवेज का एक शुरू में तो डिफरेंट है लेकिन दरमियान में या एंड में आके बिल्कुल एक जैसे हो जाते थे, जहां पर फैक्टर 10 आके कन्वर्ट करता था प्रोथ्रोम्बिन या फिर 10A में कन्वर्ट होता है और फिर यहां पर से पता नहीं वो इस्तेमाल होता है टू कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन और फिर वो थ्रोम्बिन जो होता है वो कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजेन इनटू फिब्रिन. मतलब ये एंड वाला जो सारा प्रोसेस है ना, शायद मैं थोड़ा सा आगे पीछे करी हूं लेकिन वो इसी तरह से था कि वो दोनों में सेम हो जाता है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे से. बताने का मकसद ये था कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं जो कि क्लॉटिंग को पूरा का पूरा अंजाम देते हैं, जिसमें आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स एक तो वो वाले फैक्टर 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वो वाले फैक्टर्स हैं, फिर प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजेन है जो फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा तब जाके क्लॉट बनेगा. ये सारे के सारे जो ये इन सब काम कहते हैं प्रोथ्रोम्बोटिक फैक्टर्स वो जो कि क्लॉटिंग करा रहे हैं. फिर हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इस प्रोसेस को खत्म कराते हैं, बेचारे फिब्रिनोलिटिक सब्सटेंसेस जो कि इस प्रोसेस को या तो रुकवाते हैं या खत्म कराते हैं. और उसमें जो हमारे पास चीजें आ जाती है वो एक तो प्रोटीन सी, प्रोटीन एस एंड एंटीथ्रोम्बिन 3. प्रोटीन सी, एस, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, एंड एंटीथ्रोम्बिन 3, ये तीन चीजों के नाम आपने याद रखने, दे आर एंटी क्लॉटिंग इन नेचर. ये हमारी बॉडी में जहां पर भी क्लॉटिंग हो रही होती है उनको रोकती हैं. तो प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेट है जहां पर नेचुरली ऐसा इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में कि जो प्रोथ्रोम्बोटिक फैक्टर्स हैं वो ज्यादा रिलीज होने लग जाते हैं. सारा कुछ ये ब्लड ही लिवर में प्रोड्यूस होती है, ठीक है, सब चीजें. तो जो प्रोथ्रोम्बोटिक वो ज्यादा प्रोड्यूस होने जाते हैं, एंटीथ्रोम्बोटिक है वो कम होने लग जाते हैं. उसके साथ जाहिर है फिजियोलॉजिकली आपका जब ग्रेविड यूट्रस होता है तो उसका वेट बहुत ज्यादा होता है, उसका प्रेशर ज्यादा होता है, उसकी वजह से जो लेग्स हैं टांगों से वीनस ब्लड का ऊपर की तरफ आना वैसे ही थोड़ा कम हो जाता है. मतलब वीनस ब्लड फ्लो ने टांगों से ऊपर आना होता है टुवर्ड्स द इन्फीरियर वेना कैवा. एक तो प्रॉब्लम ये होती है कि इन्फीरियर वेना कैवा कंप्रेस हो रही होती है, ठीक है, क्योंकि ग्रेविड यूट्रस उसके आगे पड़ा होता है. इन्फीरियर वेना कैवा की कंप्रेशन की वजह से वीनस ब्लड फ्लो और स्लगिश हो जाती है. और दूसरा, वेन्स में से जब टांगों की वेन्स में से ब्लड ने ऊपर आना होता है तो रास्ते में इतना बड़ा ग्रेविड यूट्रस का प्रेशर होता है कि वो ऊपर जल्दी जल्दी नहीं आ रहा होता तो स्लगिशनेस होती है, उसकी वजह से टांगों में खास तौर पे क्लॉट्स बहुत ज्यादा बनते हैं. ठीक है, तो ये सारी बातें आपने कॉजेज में लिखनी होती है कि व्हाट इज द व्हाई देयर इज इंक्रीज रिस्क. इसकी वजह से 6 to 10-fold रिस्क जो है वो प्रेगनेंसी में वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का बढ़ जाता है. ये भी आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है, 6 to 10-fold. अब आ जाते हैं हमारे पास कि अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर्स, एक तो ये कि कुछ स्पेसिफिक टू प्रेगनेंसी रिस्क फैक्टर्स या कुछ हैं कि फीमेल्स में पहले से कुछ रिस्क फैक्टर्स हो. अब देखिए यहाँ पर कुछ याद करने वाली बात नहीं है, समझने वाली यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है कि आपको पता है कि ये मैंने भी बता दी कि जो भी थ्रोम्बोटिक स्टेट है इट इज रिलेटेड टू स्लगिशनेस ऑफ ब्लड फ्लो,
या फिर अगर कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप जनरली सोचें कि अगर एक बंदा सेडेंटरी लाइफस्टाइल रखता है वो, तो जाहिर सी बात है उसका चलना फिरना कम होगा, चलना फिरना कम होने की वजह से उसका ब्लड फ्लो ज्यादा स्टैटिक रहा करेगा, मतलब ये कि उतनी अच्छी सर्कुलेशन नहीं रहती, उसकी वजह से उस पर वैसे ही चांस ज्यादा हो जाएगा। तो जो फीमेल्स इस किस्म के प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर्स रखती हैं उनमें वैसे ही प्रेगनेंसी होगी तो और ज्यादा रिस्क बढ़ जाएगा। उसमें क्या क्या चीजें आपने इन लिस्ट में याद रखनी है, जो कि एज अगर मदर की मोर देन 35 है, ठीक है, ये भी आपको पता है कि इट इज अ रिस्क फैक्टर। जिस तरह एज बढ़ती जाती है उस तरह से क्लॉटिंग का रिस्क, हाइपरटेंशन होने का रिस्क, ओबेसिटी का, फैट की मेटाबॉलिज्म के खराब होने का वैसे ही बढ़ जाता है। ठीक है, एज मोर देन 35 है, पहले से कोई एक्वायर्ड या इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया है अगर फीमेल को, थ्रोम्बोफिलिया भी मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। उसके अलावा अगर वो ऑबीस है, ठीक है, मोर देन 80 केजी उसका वेट है, प्रीवियस हिस्ट्री है उसकी थ्रोम्बोबोलिज्म की, कोई स्मोकिंग की हिस्ट्री है या मलेग्नेंसी है, तो ये सारी वो चीजें हैं जो कि थ्रोम्बोटिक स्टेट को बढ़ा देती हैं। अच्छा, प्रेगनेंसी में कोई कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो कि इंक्रीज रिस्क कर देती हैं? सबसे पहली चीज होती है मल्टीपल प्रेगनेंसी। अगर एक बच्चा है तो 6 to 10 फोल्ड है रिस्क थ्रोम्बोबोलिज्म का, अगर दो बच्चे हो जाएंगे तो ये रिस्क डबल हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी, जितने फीटस ज्यादा होते जाएंगे, यानी एक प्रेगनेंसी में जितने बच्चे ज्यादा होंगे, ट्विन्स या ट्रिपलेट्स, उतना ही रिस्क बढ़ता जाएगा। फिर जो ग्रैंड मल्टी पैराज होती है, जिनके 6 बच्चे 7 बच्चे होते हैं, उनमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। जो प्री एक्लेम्शियाज की होती है, जो गेस्ट्रेशनल डायबिटीज की होती है, जो कि सेप्सिस हो जाते हैं जिनको प्रेगनेंसी में, या प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट पे जो रहती है, उनमें ये वाली चीज ज्यादा हो जाती है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं वीनस थ्रोम्बोबोलिज्म की, तो इसमें तो मैंने भी आपसे कहा कि दो तो इसकी स्टेट्स होती हैं जो आपने पहले भी पढ़ी हुई, उनको हम जरा सा विवाद में देख लेते हैं। तो डीबीटी होती है, एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, एक बीच में थ्रोम्बोफिलिया का जिक्र किया था। तो थ्रोम्बोफिलियाज आर बेसिकली डिसऑर्डर्स जो कि आपके इनहेरिटेड भी हो सकते हैं, एक्वायर्ड भी हो सकते हैं। कोई भी डिसऑर्डर जो कि क्लॉटिंग फैक्टर्स में होगा या फिर क्लॉटिंग प्रोसेस को डिरेंज कर रहा होता है, उसको जनरली हम थ्रोम्बोफिलिया के तौर पर क्लासिफाई करते हैं। इसमें अब जो फीमेल्स में थ्रोम्बोफिलिया हो सकते हैं इनहेरिटेड, वो मोस्ट कॉमनली जो कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म करेगा वो थ्रोम्बोफिलिया, वो ये हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि इनहेरिटेड उनको डिफिशियंसी होती है प्रोटीन सी, प्रोटीन एस या फिर एंटी थ्रोम्बिन 3 की। तो इनमें से कोई भी फैक्टर अगर डिफिशियंट होगा तो जो क्लॉट को खत्म करने का प्रोसेस है, क्लॉट को तोड़ने का प्रोसेस है, वो खराब हो जाएगा और क्लॉटिंग ज्यादा होने लग जाएगी, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एक तरह का ये थ्रोम्बोफिलिया हो सकता है, एक कंजेनिटल होता है या इनहेरिटेड होता है। उसके अलावा दूसरा तरह का ये हो सकता है कि जो आपके फैक्टर 5 में म्यूटेशन आ जाए या फैक्टर 8 में म्यूटेशन आ जाए, तो फैक्टर 5 and 8 आर वो फैक्टर्स जो कि क्लॉटिंग कराते हैं, तो ये फैक्टर्स में म्यूटेशन आने की वजह से ये फैक्टर्स ज्यादा क्लॉटिंग कराने लग जाते हैं, ठीक है, थीके? तो वो भी आपका इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया हो जाता है। फिर एक और चीज होती है, वो आपने नहीं भूलना कि वो आपके एमसीक्यू में आती है कि जो एक्वायर्ड, ये तो हमने इनहेरिटेड की बात की ना कि ये कम हो सकते हैं या ये ज्यादा हो सकते हैं। फिर एक होता है जो एक्वायर्ड थ्रोम्बोफिलिया होता है, उसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमनली आपकी जो थ्रोम्बोफिलिया इज अ जनरल टर्म जो कि ये बता रही है कि आपकी जो क्लॉटिंग कहीं ना कहीं क्लॉटिंग का प्रोसेस डिरेंज होने की वजह से ज्यादा क्लॉटिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, क्या होता है कि हमारा एक ऐसा सिस्टम सिलसिला, एक ऐसी डिजीज है जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी अपनी ही बॉडी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है, और बहुत सारी ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज हैं, उनमें से एक ऑटो इम्यून डिजीज वो है जिसमें जो बॉडी की इम्यूनिटी है ना, वो हमारे सेल के जितने भी सेल मेम्ब्रेन है, आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर में ऐसे हमारी लिपिड बायलेयर होती है, आपको याद है ना ये वाली बात की लिपिड बायलेयर थी, और लिपिड बायलेयर में कुछ प्रोटीन्स एम्बेडेड होती है, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी का दिमाग खराब ऐसा होता है कि वो एंटीबॉडीज बनाती है जो कि आके इन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को और फॉस्फोलिपिड्स को, जो यहाँ पर फॉस्फेट्स लगे हुए होते हैं ना लिपिड बायलेयर के बीच में, जो फॉस्फेट्स होते हैं और जो प्रोटीन्स होती हैं, उनको आके अटैक करने लग जाती है, खासतौर पर फॉस्फोलिपिड्स को। तो उन एंटीबॉडीज को जो हमारी बॉडी बनाती है, उनको हम कहते हैं एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज, ठीक है। वो क्या करती है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के जो सारे के सारे सेल्स हैं बॉडी के, जनरलाइज्ड सेल्स, कोई खास सेल नहीं, हर सेल के गिर्द सेल मेम्ब्रेन है, और हर सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है, तो वो बॉडी की इम्यूनिटी इस फॉस्फोलिपिड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है। वो जब एंटीबॉडीज बनाती है, उनको हम एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज कहते हैं, और तो वो एंटीबॉडीज आकर इन फॉस्फोलिपिड्स को अटैक करती है, और जैसी ऐसी बात है उनकी डिस्ट्रक्शन करती है, उसके रिजल्ट में मेम्ब्रेन डैमेज होती है। और जैसी मेम्ब्रेन डैमेज होती है, तो जिस तरह आप समझ लें कि एक सेल की मेम्ब्रेन नॉर्मल हालात में डैमेज होगी, तो वहां पर फौरन तौर पर क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी, ताकि उसको वहां पर सिक्योर किया जा सके, उसको वहां पर रोका जा सके। सेम इसी तरह जब एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज जो है वो आकर हमारी मेम्ब्रेन को डैमेज करती हैं, तो यहाँ पर क्लॉटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जो कि उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। इस तरह पूरी बॉडी में जब होता है, तो पूरी बॉडी में क्लॉटिंग का प्रोसेस ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि दिस इज एक्वायर्ड थ्रोम्बोफिलिया, या फिर हम इसको एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है।
और इसमें फिर आपकी एंटीबॉडीज होती है, तो ये आपने याद रखना है, ये आपका एमसीक्यू में कई जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम तो नहीं है, तो ये आपने याद रखना है कि एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसमें एंटीबॉडीज बनती है जो कि अटैक करती है मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड्स को, जिसकी वजह से एक थ्रोम्बोटिक स्टेट बॉडी में आ जाती है, तो ये एक एक्वायर्ड डिसऑर्डर हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फीमेल्स में मैंने आपसे कहा कि किस किस तरह से आपका थ्रोम्बोएम्बोलिज्म मैनिफेस्ट कर सकता है, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, या तो डीवीटी की तरह आएगा या पल्मोनरी एम्बोलिज्म की तरह आएगा। डीवीटी इज डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, जो आपकी लेग की वेन्स, टांगों की वेन्स में जो काफ मसल्स है उनमें, मतलब टांगों की वेन्स में अगर आपका क्लॉट्स बनने लग जाए, खून जमने लग जाए, तो उसको डीवीटी कहते हैं, और ये ज्यादातर टांगों की डीप वेन्स में होता है। आपको पता है ना, आपकी लेग्स में एक डीप वीनस सिस्टम है, एक सुपरफिशियल वीनस सिस्टम है, तो जो अंदर की डीप वेन्स है उनमें ये ज्यादा कॉमनली होते हैं, थ्रोम्बस बन जाते हैं, और उसकी फीमेल प्रेजेंट आपके पास करती है कि उसको शदीद काफ पेन होती है, सिवियर काफ पेन, साथ स्वेलिंग एंड टेंडरनेस होती है काफ में, आपको रेडनेस नजर आएगी, स्वॉलन लेग नजर आएगी, टेंडरनेस नजर आएगी। आपको पता है कि अब प्रेगनेंसी में नॉर्मली भी टांगे सूज जाती हैं, पांव सूज जाते हैं अक्सर, लेकिन जो डीवीटी है ना वो आपने तब बहुत ज्यादा सस्पेक्ट करनी है अगर फीमेल को साथ पेन भी है और स्वेलिंग आपको रेडनेस और टेंडरनेस के साथ मिल रही है, और अगर यूनिलैटरल है एक साइड की, तो फिर तो आपने लाजमी डीवीटी का सोचना है, क्योंकि क्लॉट तो किसी एक तरफ बन सकते हैं ना, लेकिन अगर बॉडी में वैसे स्वेलिंग होगी तो वो दोनों तरफ ही होगी, ठीक है। तो ये डीवीटी के फीचर्स होते हैं आपके, सवेर काफ पेन, रेडनेस बॉडी। इन्वेस्टिगेशन में आपकी जो सबसे अच्छी इन्वेस्टिगेशन है कंप्रेशन अल्ट्रासाउंड होते हैं, कंप्रेशन अल्ट्रासाउंड का मतलब है नॉर्मल अल्ट्रासाउंड ही होता है आपका, लेकिन उसमें आप क्या करते हैं कि इस तरह से अल्ट्रासाउंड के प्रोब को आप अपनी वेसल्स के ऊपर जाके कंप्रेस करते हैं कि आपको अपनी मर्जी की इंटेंसिटी की इमेज नजर आए, मतलब आपकी, आपको पता है ब्लैक एंड व्हाइट एंड ग्रे सी इमेज होती है अल्ट्रासाउंड की, तो उसका जो एकोजेनेसिटी है कि कौन सी चीज कितनी ब्लैक नजर आएगी, कितनी व्हाइट नजर आएगी, कितनी ग्रे नजर आएगी, वो आप अल्ट्रासाउंड का जो प्रोब होता है ना, वो जो आपका प्रोब होता है जिसे आप करो, तो उसके प्रेशर से चेंज कर सकते हैं। तो बहरहाल आसान लफ्जों में आप ये याद रख लें कि आपने वेसल्स को देखना है, वेन्स को देखना होता है लेग की, तो आप कंप्रेस करके अल्ट्रासाउंड करते हैं उस प्रोब से ताकि आपको वेन्स बेहतर तरीके से नजर आ जाए, या तो आप कंप्रेशन अल्ट्रासाउंड करते हैं या फिर आप डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड ऑफ लेग वेन्स कर लेते हैं। डॉपलर में क्या होता है कि डायरेक्टली आपको वेसल्स नजर आ जाती है, वो उनका फ्लो पता चल जाता है, कहीं पर फ्लो रुका हो तो पता चल जाता है, तो ये आपका डायग्नोस्टिक होता है उसके लिए कि डीवीटी है या नहीं, ठीक है। एंड देन आप जो एक और इन्वेसिव टेस्ट कर सकते हैं वो वीनोग्राफी होती है, जिसमें आप एक डाई इंजेक्ट करते हैं वेसल्स में और उसके बाद एक्सरेज लेते हैं, और डाई जहां जहां जाएगा वहां वहां पर एक्सरे में आपको इल्यूमिनेटिंग सा इमेज नजर आएगी, तो जहां पर जाके डाई रुक जाएगा या जहां पर से डाई सही नहीं गुजरेगा इसका मतलब है वहां क्लॉटिंग है, लेकिन ये टेस्ट जाहिर है प्रेगनेंसी में परफॉर्म करना सही नहीं है, क्योंकि तो इसमें एक्सरेज इस्तेमाल हो रही है, दूसरा आपका डाई इंजेक्ट करना है, तो ये दोनों चीजें फीटस के लिए, मदर दोनों के लिए अच्छी नहीं होती, ज्यादा आप अल्ट्रासाउंड या डॉपलर अल्ट्रासाउंड नहीं करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया डीवीटी, अभी मैं आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बताती हूँ, फिर हम दोनों का ट्रीटमेंट देख रहे थे। पल्मोनरी एम्बोलिज्म डीवीटी के हमेशा बाद होता है, अगर आपका जो क्लॉट था वो बना, ज्यादातर हमेशा क्या 99.9% यही होता है कि क्लॉट इनिशियली टांगों में बनता है, उसके बाद वो ब्लड फ्लो के साथ डिसलॉज हो जाता है, टांगों से जब डिसलॉज हो जाएगा तो एम्बुलस बन जाएगा, अब वो एम्बुलस कहीं भी जाके फंस सकता है, और उसकी बहुत फेवरेट जगह होती है फंसने की पल्मोनरी वेसल्स, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म उसको कहते हैं, एम्बोलिज्म इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो पल्मोनरी वेसल्स है ना उनमें खुद क्लॉट नहीं बनता, बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही रेयर होता है, ज्यादातर उनमें जो क्लॉट होता है वो कहीं ना कहीं से आया हुआ होता है, और वो हमेशा ही तकरीबन लेग की वेन से आया होता है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म जब होगा पल्मोनरी वेसल्स में अगर क्लॉट फंसेगा तो फीमेल आपके पास प्रेजेंट करेगी एक्सर्शनल डिस्निया के साथ, वो कहेगी मेरा सांस अभी बहुत ज्यादा कुछ अरसे से उखड़ जाता है, आप देखेंगे तो उसका आपको लगेगा कि वो सांस जब काम वाम करती है तो हाइपोक्सिक हो जाती है, उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप कर रही होती है, और उसके साथ टेकिकार्डिया होगा उसको, ठीक है, हार्ट रेट उसका तेज होगा, सांस भी वो तेज तेज ले रही होगी, टेकिपनिया होगा। अगर ये तो उसके जनरल से फीचर्स होते हैं, ज्यादातर सांस उखड़ने के, सिवाय इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, अगर किसी छोटी वेसल में फंसेगा तो पेशेंट के ये फीचर्स होंगे, अगर किसी बड़ी मेन पल्मोनरी वेसल में फंस जाएगा फिर तो फीमेल की सडन चोकिंग होगी, मतलब एकदम से रेस्पिरेशन रुक जाएगी और डेथ हो सकती है, लेकिन छोटी वेसल्स की ज्यादातर वो होती है और फीचर्स यही आते हैं कि वो कहती है सांस बहुत उखड़ता है, काम नहीं करने होता मुझसे, टेकिकार्डिया होगा। आप उसका क्या करेंगे, पहले आपने सबसे पहले उसकी इनिशियली ईसीजी एक्सरेज और एबीजीज कर रहे हैं ताकि आप लंग की पैथोलॉजी को रूल आउट करें, क्योंकि जाहिर पहले आपके जहन में लंग्स की आएगी ना कि कोई लंग की डिजीज हो सकती है, आप इसकी चेस्ट एक्सरे करेंगे आपको नजर आ जाएगा कि लंग्स वैसे बिल्कुल क्लियर है, मतलब उनमें कोई पैथोलॉजी नहीं है, आप उसकी ईसीजी करेंगे आपको हार्ट का स्टेटस पता चल जाएगा क्योंकि इसमें ईसीजी भी नॉर्मल होगी,
कोई हार्ट में भी इशू नहीं होगा। एक भी चीज आप करेंगे तो जाहिर है आपको उधर ऑक्सीजन सेचुरेशन फीमेल की ड्रॉप होती हुई मिल सकती है क्योंकि उसके लंग्स में परफ्यूजन ठीक नहीं है। फिर आप क्या करते हैं कि आप उसका या तो वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन कर लेते हैं, उससे पता चलता है कि जो एरियाज वेंटिलेट हो रहे हैं यानी लंग्स में जहां पर वेंटिलेशन हो रही है वहां पर फ्यूजन है या नहीं। तो जो जहां पर पल्मोनरी एम्बोलिज्म फंसा हुआ होगा वहां पर फ्यूजन नहीं होगी, या तो आप ये करते हैं या फिर आप सीटी स्कैन विद पल्मोनरी एंजियोग्राम कर लेते हैं। वही बात है कि आप एक डाई इंजेक्ट करते हैं फीमेल को और वो डाई उसकी पल्मोनरी वेसल्स में जाती है, फिर आप उसका सीटी स्कैन लेते हैं। ये बहुत अच्छी डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इसमें पता चल जाता है। अच्छा, ये जो डी डायमेज है ना, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ये डीप वीनस थ्रोम्बोसिस का भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी अगर आप सस्पेक्ट करें सबसे पहले आप डी डायमेज कराएं। अगर डी डायमेज रेज है तो फिर आपका लाजमी कहना की क्लॉटिंग चल रही है, फिर आप डीबीटी का भी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म का टेस्ट कराते हैं। लेकिन अगर डी डायमेज नहीं रेज तो फिर आपका क्लॉटिंग का होना बहुत ही नॉन तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाता है। डी डायमेज बेसिकली जहां पर क्लॉटिंग हो रही होती है ना वहां से रिलीज होने वाले उसके बाय प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ब्लड में जब ये रेज होंगे तो इसका मतलब है क्लॉटिंग कहीं पर चल रही है, तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। अच्छा, अब अगर आपको एक फीमेल जो प्रेगनेंसी में उसमें आपको मिल गया कि थ्रोमोएम्बोलिज्म का सस्पिशन है या डीवीटी है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो आपने ट्रीट कैसे करना है? एक आपके पास ट्रीटमेंट मोडालिटी होती है वारफेरिन, लेकिन प्रेगनेंसी में आप ये नहीं देते। द रीजन इज कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देंगे तो फीटस को बहुत ज्यादा कंजेनिटल एनोमलीज कर सकती है, बाद में ये फीटस के अंदर इंट्रासेरिब्रल हेमरेज कर सकती है, ठीक है, क्योंकि जाहिर वारफेरिन है ना ब्लीडिंग को प्रमोट करती है। तो इसलिए आप ये कभी भी प्रेगनेंसी में प्रेफर नहीं करते। प्रेगनेंसी में जो प्रेफर्ड ड्रग है वो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है, ये आप इंजेक्टेबल होती है लेकिन आप फीमेल को आराम से सिखा देते हैं, सबक्यूटेनियसली लगानी होती है, वो लगा लेती है, इट इज सेफ इन प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती और क्लॉटिंग को हेपरिन है ना हेपरिन का आपने एक्शन पड़ा हुआ है कि ये क्लॉटिंग को खत्म करती है बॉडी के, ठीक है। ये बेसिकली एंटी थ्रोम्बिन 3 जो है ना उसके एक्शन को इनहेंस करती है बॉडी में। उसके बाद ये लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन ड्रग ऑफ चॉइस, जो ये कुछ और चीजें ना फोंडापेरिनक्स है एंड लेपिरिडिन। फोंडापेरिनक्स इज ऑल्सो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, ये तो ये भी आपका मतलब अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। और जो लेपिरिडिन वगैरह है ये आपके फैक्टर्स के इनहिबिटर्स है, मतलब फैक्टर 10A इनहिबिटर हो गया, फैक्टर 5 इनहिबिटर्स, इस तरह की और भी ड्रग्स हैं, लेकिन वो अभी तक प्रेगनेंसी में यूज करने के लिए कोई खास उनने इंडिकेशन नहीं दी हुई, मतलब अभी तक उसकी सेफ्टी प्रोफाइल का अंदाजा नहीं किया गया, क्योंकि ये जितनी भी ड्रग्स हैं ये है तो एंटी क्लॉटिंग है लेकिन प्रेगनेंसी में सेफ होना जरूरी है। तो प्रेगनेंसी के लिए अभी तक जो हम देते हैं वो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन ही देते हैं। देन अजाया जो डीबीटी की फीमेल्स होती है उन्हें आप एडवाइस करते हैं कि वो स्टॉकिंग साथ पहना करें ताकि उनका खून ना जमे और थोड़ी बहुत मोबिलिटी जरूर रखें ताकि टांगों में सर्कुलेशन चलती रहे। तो यहाँ पर हम खत्म करते हैं, किसी को मसला हो कि नास्मी, थैंक यू।